हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार जीएस की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन पॉलिटी का हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि किस प्रकार से मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता तथा अन्य जितने भी संविधान के जो प्रारंभिक पार्ट्स हैं भाग चार तक, उनसे हम अच्छे से रूबरू हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो अगला भाग पाँच आता है, पार्ट फाइव, आर्टिकल 52 से लेकर के 51 तक हमने DPSPs और 51A में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ा था। तो इसके तहत हम इससे आगे राज्य सरकार, संघ सरकार, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब इस सरकार की बात आती है या शासन की बात आती है, तो इन चीज़ों से हम अच्छे से रूबरू हो जाते हैं कि भारत में जैसे संघात्मक एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार का मिक्स्ड फॉर्म जिसे क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, तो गवर्नमेंट क्या है, कितने प्रकार की गवर्नमेंट होती हैं और किस किस तरीके से दुनिया में कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से सरकार चल रही है, क्या राजतंत्र का, कहीं पर राजशाही है, कहीं पर राजतंत्र है, कहीं पर लोकतंत्र है, कहीं पर गणतंत्रात्मक शासन है। तो इस तरीके से इन सभी जो आने वाले लेक्चर्स में बार बार आपको जो वर्ड्स ये आएंगे, तो इन सभी से हम इस लेक्चर के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शासन के प्रकार, शासन के प्रकारों में हम देखते हैं कि शासन के दो प्रकार के, यहाँ पर दो प्रकार का शासन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वैश्विक स्तर पर, एक यूनिटरी और दूसरा फेडरल। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ जो हमारा यूनिटरी फॉर्म है और जो फेडरल फॉर्म है, इनमें अंतर क्या है? देखिए, केंद्र और राज्य दोनों में तो यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार है, यहाँ पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो है, लेकिन जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के पास ही सभी शक्तियां होती हैं, राज्य सरकार को कोई भी शक्ति वहां पर प्राप्त नहीं होती है। जैसे जैसे हम देखें कि ब्रिटेन में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम बोलें, तो वहां पर जो राजशाही है, जो वहां पर या यूं कहें कि जो केंद्र है, केंद्र के पास ही सभी शक्तियां हैं, वहां पर राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं है। जबकि अगर हम संघात्मक सरकार की बात करते हैं, तो वहां पर केंद्र के साथ साथ राज्य को भी शक्तियां प्राप्त होती हैं, राज्य के पास भी कुछ अपने अधिकार होते हैं, केंद्र के पास भी अपने अधिकार हैं। अगर हम बात करें कि संघात्मक सरकार का फॉर्म, तो ये यहां पर USA, इंडिया, कनाडा इत्यादि में आप देखने को मिलता होगा कि जहां पर एक सेंटर भी है, जहां पर स्टेट्स भी हैं, जहां पर सेंटर को भी पावर है, जहां पर स्टेट को भी पावर है। लेकिन अब फेडरल फॉर्म की बात करें, तो भारत में जो फेडरल फॉर्म है वो USA वाला फेडरल फॉर्म ना होकर के कनाडा वाला फेडरल फॉर्म है। कनाडा वाला फेडरल फॉर्म होने का क्या तात्पर्य है? कनाडा वाला फेडरल फॉर्म और USA वाले फेडरल फॉर्म में हम अंतर देखते हैं कि कनाडा में या USA में अगर हम देखें, तो वहां पर जो एक संघ बना है वो राज्यों के आपसी समझौते के द्वारा बनाया गया है, या यूं कहें कि म्यूचुअल कॉपरेशन ऑफ द स्टेट हैज फॉर्म्ड अ सेंटर इन USA। राज्यों ने आपसी समझौते से वहां पर एक केंद्र का निर्माण किया है, जबकि तो वहां पर केंद्र के पास उतनी शक्तियां नहीं है, अर्थात अगर राज्य चाहे तो केंद्र से अलग भी हो सकता है। इसीलिए वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर डुअल सिटीजनशिप का भी प्रावधान है कि हर एक नागरिक जो USA का है वो अपने राज्य का नागरिक कहलाने के साथ साथ अमेरिका का नागरिक भी कहलाता है। जबकि हम कनाडा के संविधान की बात करें, तो कनाडा के संविधान में जो फेडरल संघात्मक फॉर्म है वो ये बात करता है कि द फेडरल फॉर्म विद मोर पावर गिवन टू सेंटर, एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस तरीके से कि केंद्र के पास वहां पर ज्यादा शक्तियां रहती है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास शक्तियां तो हैं, लेकिन कुछ मामलों में या अधिकांश मामलों में अगर हम बात करें, तो वहां पर केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से यही चीज भारत ने भी अपनाई कि बोला कि हम भी एक ऐसा फेडरल सिस्टम अपनाएंगे जिसमें
केंद्र सरकार सेंटर जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई दे, वो ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देती है। इसलिए जब फेडरल सिस्टम की बात करें तो यूएसए, इंडिया और कनाडा में, लेकिन जब फेडरल सिस्टम में भी हम डिवाइड करते हैं तो इंडिया का फेडरल सिस्टम कनाडा वाला फेडरल सिस्टम ज़्यादा प्रतीत होता है। देखें, भारत में यूं कहें कि फेडरल सिस्टम तो है, संघात्मक सरकार तो है, संघात्मक प्रकार तो या संघात्मक स्वरूप तो है, लेकिन वह एक अर्ध संघात्मक प्रकार है। अर्ध संघात्मक प्रकार कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर संघात्मक प्रकार की विशेषताएं तो विद्यमान रहती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपनी अपनी पृथक शक्तियाँ तो प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सरकार का स्वरूप है, शासन का स्वरूप है, वह संघात्मक न होकर के एकात्मक भी प्रतीत होता है। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे इसी कारण से वहाँ पर संघात्मक और एकात्मक गुणों के होने के साथ साथ कुछ संघात्मक गुणों के साथ साथ एकात्मक गुण होने के वजह से भारत के शासन व्यवस्था अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। अंग्रेजी में जिसे क्वासी फेडरल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या गुण हैं जिससे हमारे संविधान में, भारत में एकात्मक गुण दिखाई देते हैं, यूनिटरी प्रोविजंस दिखाई देते हैं? तो पहली बात करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जो गवर्नर होता है, केवल केंद्र सरकार के हाथ में गवर्नर को अपॉइंट करने या गवर्नर को नियुक्त करने या उसको अपदस्थ करने की शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत ही गवर्नर अपने पद पर रह सकता है। जब केंद्र सरकार चाहे तो उसे नियुक्त कर सकती है, जब केंद्र सरकार चाहे तो उसे नियुक्ति से हटा भी सकती है। अर्थात आप देख रहे हैं कि जो केंद्र है वही इस मामले में पावरफुल दिखाई देता है। दूसरी बात अगर हम बोलें सिटीजनशिप, केवल और केवल केंद्र सरकार के पास ये अथॉरिटी है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करवाने की, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एकात्मक गुण दिख रहा है। तीसरा अगर हम देखें कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून जो होता है, किसी संसद, भारत में संसद के द्वारा बनाया गया कानून सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी होता है कि सभी राज्यों में वो लागू हो सकता है। अगला यूनिटरी जुडिशरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान में न्यायपालिका की एकहरी न्याय व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात अगर क्या कहें कि भारत में सबसे ऊपर अगर न्यायपालिका का कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है और पूरे भारत का एक सुप्रीम कोर्ट है। जबकि हम यदि अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर हर राज्य के अपने अपने सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर केवल एक सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे अन्य राज्यों के जो हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर उन हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के फिर अलावा हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालयों का यहाँ पर प्रावधान। तो यूनिटरी जो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यूनिटरी जुडिशरी, सबसे ऊपर में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद कई डिस्ट्रिक्ट सॉरी हाई कोर्ट्स, उसके नीचे कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बाद यहाँ पर फैमिली कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। अगला अगर हम देखें इमरजेंसी को अप्लाई करवाने का प्रावधान, केवल और केवल केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है कि वो जो भारत में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को लागू करवा सकती है। और कहा जाता है कि जब भारत में आपातकाल लागू होता है तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक से, पूरी तरीके से संघात्मक से हट करके एकात्मक स्वरूप को अपना लेती है, ठीक है। तो ये फिर कुछ एकात्मक गुण वाले एक और पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज, संसद को ही, केवल संसद को अधिकार है कि वो भारत में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। जैसे हमने आर्टिकल 315 में हम देखते हैं कि जो यूपीएससी का प्रावधान है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, उसके तहत ये बात अप्रूव होती है। नेक्स्ट, भारत के लिए एक नीति आयोग। नीति आयोग क्या है कि सरकार की जो अपनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को देखने का, उनका क्रियान्वयन करने वाला एक सरकार का अपना ऑफिस, इसको जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस के तौर पर अगर हम इसको माने तो पूरे एकात्मक स्वरूप को ये भी भारत के कुछ दिखाते हैं। तो ये वो केसेस हैं जब भारत में संघीय व्यवस्था होने के साथ साथ केंद्र के पास भी, राज्य के पास भी शक्तियां होने के बावजूद भी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें केंद्र हमको या सेंटर हमको हावी दिखाई देता है, या फिर कहें कि वो एकात्मक गुण की ओर इशारा करता है। तो ये हमारे इस तरीके से कुछ आप इनको ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि जो सरकार है भारत विश्व में, सरकारों के अलग 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 देशों में अलग अलग तरीके की सरकार हम देखते हैं। जैसे पहला जो है यहाँ पर जो राजतंत्र है, ठीक है, राजतंत्र में, राजतंत्र मतलब कि ये हुआ कि जिसमें राजा ही उसमें उस देश का, या यूं कहें कि उसका प्रमुख होता है,
राजा ही वंशानुगत है, राजा का बेटा राजा उस देश का, उस देश का राजा का बेटा फिर से अगेन राजा उसी देश का। तो ये एक डिसेंड के तौर पे या पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर या वंशजों के तौर पर जिस देश का राजा या प्रमुख नियुक्त तो होता है, जैसे ब्रिटेन में देखें, जैसे प्राचीन भारत में देखें, ठीक है, जैसे भूटान में देखें अपने पड़ोस में, तो वहाँ पर जो उस राज्य का या उस देश का प्रमुख है वो वहाँ का राजा है या वही राजा है। और जो राजा होता है उसके पास ये अधिकार होता है, वो किसी भी व्यक्ति के अपने साम्राज्य में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, जितने भी वहाँ पर लोग हैं, उन लोगों को अगर चाहे तो वो उनके अधिकारों से वंचित भी कर सकता है या फिर उन पर निरंकुश होकर भी अपना शासन चला सकता है। प्राचीन भारत का इतिहास इस प्रकार के कई उदाहरणों से हमारा लबरेज है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राचीन भारत जैसे भूटान ब्रिटेन वगैरह का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फिर आता है राजशाही या तानाशाही, डिक्टेटरशिप जिसको हम बोल सकते हैं, कि जब सेना का जो जनरल होता है या मुख्य सैन्य अधिकारी जो होता है वो मुख्य सत्ता में विराजित होकर के एक दमनपूर्ण या अत्याचारपूर्ण शासन करना प्रारंभ कर देता है, या यूँ कहें कि जनता का जो सर्वाधिक शोषण या सर्वाधिक अत्याचार जिस शासनकाल में हो उसको तानाशाही बोला जाता है। जैसे पाकिस्तान, सीरिया, यमन, कोरिया, मिस्र, जर्मनी इत्यादि, इन देशों में आप देखते होंगे जैसे हिटलर हो गया, परवेज मुशर्रफ हो गए, कोरिया में किम जोंग उन टाइप के, तो ये वो सब तानाशाही या डिक्टेटरशिप या राजशाही के अंतर्गत गिने जाते हैं। अगला आता है साम्यवादी। साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग। इसमें क्या होता है कि किसी देश में यदि एक ही सरकार या एक ही पार्टी का शासन चल रहा हो और वो पार्टी अपने लिए फिर उस देश के नए नए नियम कानून वगैरह बनाना शुरू कर दे, कठोर कानून बनाना शुरू कर दे, तो इस प्रकार के जो सरकार है वो साम्यवादी सरकार, जैसे चाइना, रशिया में हम इस प्रकार की गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर आता है डेमोक्रेटिक, सॉरी ये है रिपब्लिक, गणराज्य। गणराज्य मतलब जिस देश का मुखिया हेड ऑफ द स्टेट किसी अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा, इस तरीके से भारत में एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जो एमपी और एमएलए हैं उनके द्वारा किया जाता है, अर्थात जो भारत का मुखिया है, हेड ऑफ द स्टेट, वास्तविक रूप से जो मुखिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं, तो यहाँ पर इसलिए भारत में भी गणराज्य देखने को मिलता है। लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन के द्वारा जैसे डेफिनेशन दी जाती है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा ही जो शासन है, सरकार है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र के विश्व में अनेक रूप दिखाई देते हैं, जैसे बेसिकली इसके दो रूप हम डिस्कस करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहते हैं जहां पर जनता ही क्या करती है, अपने लिए कानून बनाती है, ठीक है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता अपने लिए कानून बना रही है, कोई उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसके कानून नहीं बना रहे हैं। तो जहां पर जनता या कम क्षेत्रफल या कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जनता ही जहां पर नियम बनाती है तो वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे भारत में पंचायत चुनाव में जो ग्रामीण वोट करते हैं, या फिर स्विट्जरलैंड में, ये छोटे देश हैं तो जनसंख्या कम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जनता ही अपने लिए नियम बनाती है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल हम देखते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी बोला जाता है, और इस प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के लिए कानून बनाते हैं, अर्थात जनता ने जिनको वोट किया है वो वोट से जीत के जो भी प्रत्याशी संसद में पहुंचेंगे या राज्य के विधानमंडल में पहुंचेंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे, तो वहां पर वो जनता के लिए कानून बनाएंगे बैठ करके, तो उसको अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है जो है उसके भी हम दो प्रकार देखने के, एक जिसमें अध्यक्षात्मक है, दूसरा संसदीय है, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र के अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी दो प्रकार हैं, अध्यक्षात्मक और संसदीय, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल का मतलब क्या हुआ कि जहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट ही है, वो वास्तविक प्रमुख भी है, वो नॉमिनल प्रमुख या औपचारिक प्रमुख भी है, अर्थात ही इज द डिज्यूर्स और डिफेक्टो हेड, दोनों तरीके से अगर हम उसको बोलें तो वो राष्ट्रपति होता है, जैसे यूएसए का राष्ट्रपति। तो यूएसए में जो राष्ट्रपति है वो वहाँ के वास्तविक और औपचारिक प्रमुख भी हैं।
ठीक है, रियल एंड नॉमिनल, तो इसलिए वहां पर वो उस राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं और उसको अध्यक्षात्मक प्रकार बोला जाता है लोकतंत्र का। अगर हम संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो जो संसदीय लोकतंत्र में है उसमें वास्तविक और नाममात्र के कार्यपालिका में अंतर देखने को मिलता है। अर्थात संसदीय प्रणाली की एक खास विशेषता यह है कि इसमें जो वास्तविक प्रमुख होता है और नाममात्र का प्रमुख होता है, उस वास्तविक और नाममात्र के प्रमुख में अंतर देखने को मिलता है। वास्तविक प्रमुख संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री, जबकि नॉमिनल या अनौपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति हो जाते हैं। जैसे भारत में आप देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो मात्र एक नाममात्र का प्रमुख है, वो वास्तविक शक्ति भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में है। भारत के प्रधानमंत्री जो जनता के द्वारा चुने गए एमपी में जो होते हैं उनमें से, उन जीते हुए एमपी में से जो सत्ता दल होता है उसके द्वारा नियुक्त किया गया नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। अर्थात जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास में है, डिफेक्टो हेड जिसको बोला जाता है, और डेज्यूर हेड या नॉमिनल हेड अगर कोई है तो वो राष्ट्रपति है। इंडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके पश्चात एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो आता है उसको हम बोलते हैं नौकरशाही। नौकरशाही जिसे लाल फीता शाही भी बोला जाता है। लाल फीता शाही भी इसलिए कि आप कोई फाइल अगर देते हैं तो फाइल जब दी जाती है तो वो एक फाइल में बंद होके उसके बाद उसको मतलब एक लाल फीते से बात करके वो ऑफिस में पड़ी रहती है। फिर इसमें कोई दूसरा ऑफिसर है ना किसी दूसरे ऑफिस में गई, वहां से फाइल लटकी रही, फिर मतलब जहां पर कार्य जो है ऑफिसरों या कार्य में सरकारी ऑफिसरों का बोलबाला रहता है, इस तरीके की सरकार को बोला जाता है क्या, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। तो हमने इस पूरे चैप्टर के माध्यम से जितने भी सरकार गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सभी से रूबरू होने में और इन सभी को समझने में बहुत ही आसानी पूर्वक मुझे समझाने के प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के समझ में भी आया होगा। अब इसके पश्चात यदि आप किसी भी संघ सरकार के बारे में कोई भी प्रोविजन पढ़ते हैं या राज्य सरकार के बारे में कोई भी प्रोविजन पढ़ते हैं, भारत के संविधान की स्पेशल में बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको इन शब्दों से अगर कहीं पर रूबरू होते हैं तो निश्चित रूप से इनके अर्थ को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने चारों ओर के लोगों को पर्यावरण को स्वस्थ रखिए, सुंदर रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।